हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। तो स्टूडेंट्स, आज की एक जो वीडियो बनने जा रहा है, एक न्यूज़ है जो न्यू अपडेट है SSLC के एग्ज़ाम्स को लेकर, और एक अच्छी भी न्यूज़ है। तो देखेंगे वो क्या न्यूज़ है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से बताया गया कि SOP रिलीज फॉर SSLC एग्ज़ाम इन कर्नाटका, COVID-19 कैंडिडेट्स कैन अटेंड फ्रॉम CCC। तो ये न्यूज़ जो है आपको जाननी ज़रूरी है कि जो SOP ने कुछ रिलीज़ किया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो SSLC का एग्ज़ाम अटेंड करें, कोई पॉजिटिव भी हैं, तो वैसे बच्चे भी जो है सो एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। तो देखेंगे ये न्यूज़ के मुताबिक CCC क्या है डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस न्यूज़ में जो बताया गया है वो चीज़ इस तरह से है कि द सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SSLC बोर्ड ऑफ कर्नाटका ऑन वेडनेसडे रिलीज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द SSLC एग्जामिनेशन। अब देखेंगे इसमें क्या है। वेयर इट अनाउंस दैट पॉजिटिव प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स विद COVID-19 टू राइट द एग्ज़ाम विल बी मेट। तो इसके तहत क्या है, अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव भी है कोरोना, तो इसके तहत जो है सो वो बच्चा एग्ज़ाम लिख सकता है। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फ्रॉम द 3rd week of July अकॉर्डिंग टू द SOP यानी SOP के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं SSLC के, वो कब हैं? जुलाई के 3rd week में। द SOP स्टेटेड और आगे कहा है, नो स्टूडेंट हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस शुड बी डिनाइड फ्रॉम अटेंडिंग द एग्ज़ाम। यानी अगर कोई पॉजिटिव है भी, अगर कोई बच्चा कोरोना का, तो उसको डिनाई नहीं कराया जाएगा, यानी उसको कैंसिल नहीं कराएगा। द SOP ऑल्सो स्टेटेड द ईच तालुका शुड हैव ए COVID-19 केयर सेंटर। तो क्यों नहीं बोले तो हर तालुके के अंदर जो है सो COVID-19 केयर सेंटर बनाया जाएगा ये एग्ज़ाम्स के लिए, फ्रॉम वेयर अरेंजमेंट विल हैव टू बी मेड फॉर द इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स टू राइट द एग्ज़ाम। तो वो जो CCC है यानी COVID-19 केयर सेंटर, वहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट किया गया है जो भी बच्चे इन्फेक्टेड हैं यानी कोरोना वायरस से, उनको एग्ज़ाम लिखने दिया जाएगा। इन ईच CCC ए मेडिकल टीम विथ एन एम्बुलेंस हैज़ टू बी प्रेजेंट, यानी हर COVID-19 केयर सेंटर्स में एक मेडिकल टीम रहेगी और एम्बुलेंस के साथ। चलिए आगे, और इस न्यूज़ में क्या बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ईच एग्जामिनेशन सेंटर इज मैंडेटेड टू हैव ए फंक्शनिंग हेल्थ काउंटर वेयर द स्टूडेंट विल बी चेकड फॉर फीवर बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। यानी हर जहाँ भी सेंटर है एग्जामिनेशन, वहाँ पर एक काउंटर रखा जाएगा, चेकिंग काउंटर, जहाँ पर एवरी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम को आने वाले हैं उनको चेकअप किया जाएगा बिफोर एग्ज़ाम में एंटर होने से पहले। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बिफोर एग्जामिनेशन, एंड ए मास्क विल बी प्रोवाइडेड टू दोज हु डोंट हैव वन, और उनको मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी के पास नहीं होगा। इन एडिशन द SOP हैज़ इंस्ट्रक्टेड ईच एग्जामिनेशन सेंटर टू रिजर्व 2 rooms एज स्पेशल रूम्स फॉर स्टूडेंट्स हु हैव सिम्टम्स सच एज कोल्ड कफ एंड फीवर। और एवरी एग्जामिनेशन सेंटर में एक स्पेशल रूम्स रखे जाएंगे, उस रूम्स में ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम लिखाया जाएगा जिसमें सिम्टम्स नज़र आएंगे, यानी जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है सच एज कोल्ड कफ एंड फीवर, किसी को सर्दी खांसी और बुखार, तो वैसे बच्चों के लिए 2 special rooms भी अवेलेबल होंगे एग्जाम सेंटर्स में। इन एडिशन टू दिस द SOP मेंशन दैट ए रूम में ओनली कंटेन 12 students विथ ओनली 1 student पर बेंच। और SOP के तहत जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो एग्ज़ाम हॉल है हमारे, एक रूम में सिर्फ 12 बच्चे होंगे, 12 students, और पर बेंच पर स्टूडेंट, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठ के लिखेगा एग्ज़ाम। द SOP इंस्ट्रक्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज टू सैनिटाइज द रूम्स फर्नीचर एंड वॉशरूम बिफोर एंड आफ्टर ईच एग्जामिनेशन। और जो भी अथॉरिटी जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या है मालूम है, रूम्स को, फर्नीचर को, यहाँ तक के वॉशरूम को भी सैनिटाइज करेंगे बिफोर एग्ज़ाम एंड आफ्टर एग्ज़ाम, यानी हर रोज़ जो भी 2 दिन है। इट आल्सो इंस्ट्रक्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स गैदरिंग इन क्राउड्स। और वही अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर में गैदरिंग नहीं होगी, यानी बच्चे एक जगह क्राउड नहीं जमा होगा, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होंगे, ठीक है। आगे लास्ट में और फर्दर यहाँ पे बता देंगे, इट फर्दर सेड दैट एवरी वन इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन प्रोसीजर सच एज टीचर्स
ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ्स विल हैव टू गेट एटलीस्ट वन डोज ऑफ वैक्सीनेशन विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी ये एग्ज़ाम चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं जैसे टीचर्स, ऑफिसर्स, अदर स्टाफ्स, उनको एक डोज वैक्सीनेशन का दिया जाएगा। कर्नाटका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार इन ए स्टेटमेंट इंस्ट्रक्टेड दैट द डिप्यूटी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड CEO विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द नेसेसरी प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड बिफोर एग्जामिनेशन एज पर द SOP। और जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार, उन्होंने कहा है कि जो भी एग्ज़ाम का जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन यहाँ पर बताया, डिप्यूटी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड CEO, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी नेसेसरी चीज़ें होंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो ये है आज की न्यूज़ स्टूडेंट्स के, किस तरह से SOP के तहत जो इफ़ेक्टेड बच्चे भी कोई हैं अगर पॉजिटिव, तो वो बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम लिखने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इसमें दिए गए हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।